News 18, इंडिया आगे बढ़ पाएंगे इस महामारी के सामने कैसे जी। कालखंड में हर व्यक्ति इस बारे में कहता था कैसे चलेगा, कैसे होगा, 140 करोड़ भारतीय भारतवासी कैसे आगे बढ़ पाएंगे इस महामारी के सामने, कैसे जीवित रह पाएंगे। लेकिन आज आपने उसी समय फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार की व्यवस्था तो की ही, जो 600 वर्ष पहले सदगुरु ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है। यह भी पहली बार हुआ है, यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज आप एक बार फिर से तीसरी बार इस सीर गोवर्धन में आकर के आपने यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया है और कुछ ही देर में संग्रहालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से संपन्न होगा। आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी दूरदर्शिता के कारण यहाँ के सारे विवाद समाप्त होकर के पूज्य सदगुरु के प्रति नमन व्यक्त कर रहा है, अपना आभार और अभिनंदन कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी प्रदेशवासियों की ओर से और इन सभी भक्त और अनुयायियों की ओर से भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की टीम को संदेशखाली जाने से रोका गया। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को संदेशखाली जाने से रोका है। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया जा चुका है और ये भी जानकारी दे दें कि लॉकेट चटर्जी लगातार ये बात पूछ रही थी कि भाई ये बता दीजिए मुझे कि अगर मैं संदेशखाली जाती हूँ तो ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि आप जाती हैं तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, जिसके बाद बहुत देर तक तीखी बहस चलती रही। लेकिन बावजूद इसके लॉकेट चटर्जी को ना तो वहां से आगे जाने दिया गया, यहां तक कि उन्हें हिरासत में तक ले लिया गया। अब आप ऐसे में समझिए कि इससे पहले भी ये तस्वीर हम देख चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी की, वो तस्वीर आपको याद होगी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के पास जो है कोर्ट के साफ तौर पर ऑर्डर थे कि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि देखिए शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा के साथ जो है उन्हें संदेश खाली जाने दिया जाए। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, जब संदेश खाली की महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की तो किस तरीके से